नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इसकी वीडियो में। मैं अनुराग पटनागर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप YouTube पर अपने चैनल की ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए आप कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाइए, किस तरीके से आप अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं, क्या आपका वीडियो डालने की स्पीड रहनी चाहिए, क्या किस टाइप की आपको वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। मैं टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि इसकी वीडियोस पर इतने व्यूज आ गए हैं तो अब तक इसको इतनी इनकम शुरू हुई होगी, मतलब पैसे आने शुरू हुए होंगे, तो सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाई स्टेप क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो यूट्यूब पर आपका क्राइटेरिया आता है कुछ 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं एंड 1000 आपको सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसी के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज ही डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी वीडियो है, कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो होगी उस पर आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा। स्ट्राइक्स आपके चैनल पर आ गए तो उसका भी प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी आप डीप इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एंड बात करेंगे हम अपने चैनल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज करने के लिए आपके सामने एक छोटा सा ऑप्शन रहेगा, मतलब काफ़ी ईजी ऑप्शन है, देखिए कैलेंडर टाइप में, मतलब अपना रजिस्टर टाइप में, तो आप लोग इस पर अपना मेंटेन कर सकते हैं अपने चैनल को। मेंटेन क्या किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए आपका चैनल है कोई, ठीक है, उस चैनल पर आपको इसमें लिखना है कि मेरा जो चैनल है वो आज क्रिएट हुआ एंड इस चैनल पर मेरी टोटल कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं एंड मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आज करिए, आज से 3 दिन बाद करिए या फिर 6 दिन बाद करिए, आपको टोटल उसमें अपना एंट्री करनी है। एंड एंट्री करने का मेन मकसद उसमें यही रहने वाला है कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि आप सभी लोगों के सामने रजिस्टर रहेगा, आपके सामने आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कब कब गैप किया है और आपका चैनल की ग्रोथ हुई क्यों है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए एंड इस चीज़ में सुधार कीजिए कि अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं कि मान लीजिए एक वीडियो अपलोड करी अभी, एक महीने बाद कर दी, फिर 31वें दिन कर दी, मतलब 1 तारीख के दिन कर दी, तो अपने ये चीज़ गलत कर रहे हैं आप लोग। मतलब एक कंसिस्टेंसी यही होती है कि अगर एक वीडियो अपलोड आज करी है तो दूसरी आपको 3 दिन बाद कर सकते हैं, जो तीसरी जो करेंगे वो उसके 3 दिन बाद करेंगे, मतलब इसको इक्वल रखना है आपको, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो जाएगी एंड तीसरी चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आप उसी कॉन्टेंट को अप्लाई कीजिए, मतलब अपलोड कीजिए उस कॉन्टेंट को जिससे आपका चैनल रिलेटेड है। मान लीजिए आपने अपने चैनल को क्रिएट करते समय उसको कैटेगरी में डाला था एंटरटेनमेंट, ठीक है, अब आप एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में उस चैनल को डाल रहे हैं बट अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोग स्टडी की, ठीक है, आप अपलोड कर रहे हैं किसी मैथ के टॉपिक की, किसी बायो के टॉपिक की, तो वो चीज़ आपको यूट्यूब के लिए ग्रो करने के लिए मतलब नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। दो चीज़ आप लोगों को बताई थी मैंने और तीसरी चीज़ आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अपना वीडियो ऑडियो एंड कॉन्टेंट को ठीक कीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल सही से चलती जाएंगी एंड YouTube का क्राइटेरिया कंप्लीट कीजिए, आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता रहूँ, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, जो भी टॉपिक मेरे सामने आता रहता है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ।